चलिए जल्दी से एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं इंदौर से। इंदौर से पीयूष पारे हमारे साथ हैं और वहां कुछ व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल या किसी व्यापारिक संगठन के कुछ प्रतिनिधि भी हो सकते हैं। पीयूष आपकी तरफ आ रहा हूं मैं, बताइए कौन है आपके साथ, क्या इंदौर चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कुछ प्रतिनिधि हैं, बताइए जी, और क्विक रिएक्शन उनका। जी पीयूष जी सर बिल्कुल, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश के तमाम डेलीगेट्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बजट को लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया है सर आपसे जानेंगे। योगेश मेहता है, अध्यक्ष है। सर क्या रहा बजट के की पॉइंट्स, क्या रहे जो सीधे तौर पर इंडस्ट्रियलिस्ट को कहीं ना कहीं प्रभावित करने में कामयाब हुए हैं? सर्वप्रथम ये बजट जो है उद्योगों के हित का बजट है जी। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को और उद्योग मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बार विशेष प्रावधान किए हैं। जो उद्योग आज जमीन की समस्या से जूझ रहे, मिलने में कठिनाई है, 7,500 एकड़ में 14 नए औद्योगिक पार्क बन रहे हैं, 22 नए औद्योगिक क्षेत्र एमएसएमई के लिए विशेष तौर पे बनाए जा रहे हैं। तो इतने बड़े स्वरूप में एक वर्ष में इतने उद्योग नए इन क्षेत्रों में अगर आते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा जिस प्रकार अधोसंरचना विकास पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है, कई नए फोरवे, हाईवे, एक्सप्रेसवे, नर्मदा वे, विंध्य एक्सप्रेसवे, अटल एक्सप्रेसवे, इनके माध्यम से पुल, पुलिया, रेलवे ओवर ब्रिजेस, इनके माध्यम से जो पैसा खर्च होगा, इसमें जो लगने वाले सामान है वह निश्चित तौर पे उद्योगों के विस्तार को एक नई गति प्रदान करेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों चीजें इसमें कहने के देखते हैं। प्रमोद डफरिया जी हैं सर, एक रिएक्शन ले लेता हूं। सर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमने देखी है, करोड़ों का निवेश उसमें भी नजर आ रहा है और ये बजट भी कहने के उसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। तो सर आपको जान के खुशी होगी कि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का हुआ था उसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए जमीन पे उतर चुके हैं और ये जो बड़ी इंडस्ट्री जब भी आती है तो बड़े पेड़ के सामने छोटे पेड़ कई पनपते हैं, तो छोटी एंसिलरी बहुत सारी डेवलप होगी और बहुत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं फास्ट होगा इसके अंदर। फिर इसके अंदर गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर बहुत प्रेशर दिया है और गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज जितनी है सारी ऑनलाइन होगी, तो अब हमारे गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका समय गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज में न जाते हुए अपने प्रोडक्शन पे और सेल पे जाएगा। तो गवर्नमेंट भले डायरेक्ट आपकी जेब में रुपए ना रखे लेकिन इनडायरेक्टली इतना अच्छा माहौल बनाया, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के थ्रू बनाए, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन के थ्रू बनाए, चाहे वो ग्लोबल पैसा आए उसके थ्रू बनाए, तो इनमें सब में इकोनॉमिक जो चेन है वो इतनी स्ट्रांग हो गई है, इतनी स्ट्रांग हो गई है कि डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इफेक्ट पर कैपिटा इनकम ऑल्सो। चलिए चलिए पीयूष अच्छी खबरें सुनने का ही दिन है आज, लगता है कि उद्योग सेक्टर जो है वो भी मुस्कुरा रहा है और मुस्कुरा के कह रहा है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बजट में जो प्रोविजंस हैं, अभी चंद महीने पहले, 2-3 महीने पहले ही जो इन्वेस्टर्स मीट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई है उसका भी एक इम्पैक्ट दिख रहा है, तो उसका एडवांटेज भी वित्त मंत्री को मिला है और उद्योग सेक्टर भी प्रसन्न है कि ना कोई दबाव है बल्कि आगे के लिए एक रास्ता खोलने की कोशिश हुई है।